हमारी भारतीय संस्कृति में है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में सजदा करते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ उस होटल के बाहर जहाँ अंदर सारे शेफ्स सबसे पहले श्री हरमंदिर साहब जाने के लिए दस्तार बंधवा रहे हैं, वो दस्तार जो प्रतीक है हमारे फेथ, करेज और दर्शाती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को। कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 के फेस्टिवल के इस पहले दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं स्वर्ण मंदिर के दर्शनों के साथ। दुनिया भर से आए हुए शेफ्स आज स्वर्ण मंदिर के पाथ पर चल रहे हैं और देखिए कितने एक्साइटेड हैं ये स्वर्ण मंदिर जाने के लिए और कितनी मस्ती करते हुए जा रहे हैं। देखना चाहते हैं? आइए मेरे साथ। वर्ल्ड हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 में विश्व भर से पहुंचे हुए शेफ्स आ चुके हैं श्री हरमंदिर साहब में गुरु साहब के दर्शन करने। श्री हरमंदिर साहब जिसे पूरी दुनिया में दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब का शहर अमृतसर, जिसे सिफ्ती के घर के साथ साथ श्री गुरु रामदास जी की नगरी भी कहा जाता है। आइए हम भी चलते हैं गुरु साहब के दर्शन के लिए। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। चार दरवाजे जो इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पर हर दिशाओं से आने वाले हर जाति धर्म के लोगों का स्वागत करते हैं। जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू वा हे गुरु, आई थिंक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज आई थिंक हम शेफ सोचते हैं कि हम सारी दुनिया को खाना खिलाते हैं, बट आई थिंक जब रामदास जी की धरती पे आते हैं हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। आज बहुत अच्छा लगा किचन में, लंगर में 43 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हो तो आपको लगता है कि आप कितने छोटे हो अभी इस पूरी दुनिया में, जहाँ की संसार का दाता जो है वो आपको खाना खिला रहा है। तो आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग थी, एक बहुत अच्छा लगा देख के, सब कुछ इतना टेस्टी होता है लंगर का। तो आई थिंक शेफ्स के लिए तो वैसे भी बड़ा सिंपल खाना हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी, दैट्स इट। तो हम फैंसी बनाते हैं लेकिन खाते बहुत सिंपल है, तो आई थिंक दैट वॉज इट, वन ऑफ आवर एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। अमृतसर आए तो ऑफ कोर्स खाने की बात तो होगी ही, यहाँ के देसी घी से बने खाने और गलियों में खाने की महक से महकते ढाबे, अमृतसरी कुलचे, अमृतसरी वड़ियाँ, अमृतसरी पापड़, वाव, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए।
आइए सबसे पहले लगाते हैं इस ऐतिहासिक और विरासती शहर का जल्दी जल्दी एक चक्कर और उसके बाद चलेंगे किला गोविंदगढ़ में जहां होने जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018। शौकीन लोगों के लिए ये शहर स्वर्ग माना जाता है, पर भाई खाने के चक्कर में कहीं हम किला गोविंदगढ़ में होने जा रहे वर्ल्ड हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 को मिस ना कर जाएं। तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं और पहुंचते हैं किला गोविंदगढ़ में। किले के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इस किले को कभी गुज्जर सिंह के किले के रूप में जाना जाता था जब यहां पर भंगी मिसल के शासकों का शासन था। महाराजा रंजीत सिंह ने मिट्टी से बने हुए इस किले पर 5 बड़ी तोपों के साथ कब्जा किया और इस किले को और भी मजबूत बनाकर इस किले का नाम बदलकर दशमी पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रख दिया किला गोविंदगढ़। महाराजा रंजीत सिंह के बाद इस किले का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य के पास आ गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने इस किले को अपना आधार स्थापित कर लिया। इस किले के लिए एक और फेमस बात कही जाती है कि महाराजा रंजीत सिंह ने इसी किले के तोशा खाने में दुनिया का नायाब हीरा संभाल कर रखा हुआ था। वो हीरा था कोहिनूर। इसीलिए तो इस किले को कोहिनूर हीरे का घर भी कहा जाता है और यही हो रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018। आइए हम भी चलते हैं। Ladies and gentlemen, fills my heart with joy unspeakable as I rise in response to a very warm and cordial welcome from you all. Let me tell you at the outset that we are part of history. In my lifetime, I never encountered an occasion where the whole world has converged onto Amritsar and grace an occasion which will always be etched in history in golden letters. I welcome you all. I ensure you from the bottom of my heart that you will be facilitated to the core. I look at this historic occasion as an opportunity. And when opportunity knocks at your door, somebody needs to get up and push the door open. I'm going to open this. I'm going to open the floodgates for all of you. आज यहाँ की हवाएं तरह तरह के मसालों की खुशबू से महक रही हैं, क्योंकि हर शेफ अपनी किचन में कुछ ना कुछ पका रहे हैं। क्या पका रहे हैं आइए देखते हैं।
हम सबको एक ही चीज ने जोड़कर रखा है और वो है खाना। वर्ल्ड हेरिटेज क्विजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 में विश्व भर से शेफ्स पहुंचे हैं और अपने साथ अपने कल्चर और हेरिटेज को समेट कर लाए हैं खाने के रूप में। तो आइए बात करते हैं शेफ विश्वदीप बाली एंड वर्ल्ड शेफ्स प्रेसिडेंट थॉमस गुगलर से। नमस्कार बाली जी। नमस्कार शेफ, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? शेफ बाली, आपसे मैं यही पूछूंगी कि इस फेस्टिवल को शुरू करने से पहले क्या प्लानिंग्स थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा आज जैसे इस फेस्टिवल का फर्स्ट डे है उसका? हाय, दिस इज शेफ विश्वदीप बाली एंड आई रिप्रेजेंट अ रीजनल एसोसिएशन विच इज कॉल्ड एज शेफ एसोसिएशन ऑफ फाइव रिवर्स। सो फॉर्चुनेटली आज शेफ थॉमस गुगलर इज विद अस, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड शेफ्स एसोसिएशन। सो हमने यहाँ पे एक फूड फेस्टिवल का प्लान शुरू किया, उसके बाद इट्स बीन वेरी एक्साइटिंग, वेरी हेक्टिक दो, और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत हमारी हेल्प की है। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस विद द शेफ थॉमस गुगलर, सो वी विल डू दैट। शेफ, वेलकम सो मच, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट प्लेजर एक्चुअली बीइंग इन इंडिया एंड दिस टाइम इन अमृतसर। फैंटास्टिक वेन्यू, अमेजिंग पीपल, ग्रेट ग्रेट। सो शेफ, व्हेन वी टॉक अबाउट फैंटास्टिक, सो आई थिंक दैट वी हैड एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग जब व्हेन ऑल ऑफ अस वेंट टू द गुरुद्वारा the Harmandir Sahib. How was your experience here? I think it is, first of all, it's a very unique experience which you have, because the Golden Temple in the middle of the water, so many people which are actually coming there as to explore and to experience this special feeling which you have there. And the second part, which is definitely totally in our favor, is how they are cooking for so many people on a free basis, on a daily basis, 20, 30, 50,000 people in this community cuisine, which is not run by professional people, it's by people who dedicated themselves towards helping others and to supporting them. I think fantastic, unique, outstanding, and congratulations and chapeau for that. Chef, when we talk about Indian food, you've been traveling throughout the world in all the countries almost, and you know all the cuisines really well. So where do you think, what is the influence of Indian cuisine nowadays in the world? I will answer that straightforward, and not because I'm only a fan of India. India for me is incredible. Definitely it's one of the best cuisines in the world. But Indian cuisine has influenced the world cuisine a lot due to the freshness of the products, the way how it's cooked, it's very, very unique. And additionally to this, it reflects really, as I would so call it, the cultural aspects which has been actually put on a plate since hundreds of years. It didn't have changed a lot, and this is what makes, I think, the Indian cuisine very interesting. So chef, what exactly is this World Heritage Summit? What exactly do we want to achieve out of this? If I would make a joke, I would say, well, I cannot answer you, but I will answer you. I mean, you, as you said before, due to this fast traveling, what I did, I was in 187 countries, I experienced a lot and I seen a lot. And when I became a president, one of my visions was from before that due to these travels I seen, there are so many cuisines around the world which sooner or later will be forgotten. Not because they are bad, because the modern industry took over a lot of, I would call it, help for chefs. And having it in a twist and going into the next generation for modern cuisine. But as I said, for me the key is the education from scratch. Cultural heritage cooking is the way how food has been developed to the modern times, and I want to preserve this. And here in India, as I said, it's one of the most leading countries in this kind of cuisine, which I feel deserves even to be more recognized. And I want to say thank you very much to all the chefs in India. So chef, a small message in Punjabi that you can say? No, it's maybe not Punjabi, but definitely shukriya, namaste, sat shri akal. Duniya bhar se aaye hue chefs ke liye yahan par Punjabi folk dance ka presentation rakha gaya hai. आइए देखते हैं कि पंजाब के रंग में रंगने के बाद वो किस तरह से मस्ती कर रहे हैं।
में हो रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 और यहाँ पर चल रही हैं मास्टर क्लासेस, जहाँ पर दुनिया भर से आए हुए शेफ्स अपने ट्रेडिशनल फूड की रेसिपीज सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। आइए देखते हैं क्या क्या सिखाया जा रहा है। After the break. Break पे जाने से पहले मैंने आपसे बात शेयर करने का वादा किया था। वो बात ये थी कि इतनी कंट्रीज से आए हुए शेफ्स से जहाँ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहीं शेफ्स भी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। आइए देखते हैं शेफ्स की ही मुलाकात, शेफ्स की ही बातें, शेफ्स की ही जुबानी। शेफ, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच, इट्स वंडरफुल टू बी हियर। शेफ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द गोल्डन टेंपल राइट इन द मॉर्निंग? Oh my God, it was amazing. I have not experienced such genuine, heartfelt spirituality, and I felt a lot of healing energy from that. And so for me, it was a great experience, a very spiritual experience, and I really appreciate it. What, according to you, is World Heritage Cuisine Summit's real meaning? I mean, what does it really want to do? I believe that this summit is important to showcase the authentic culture of each of the countries and to share that culture with the other chefs and participants at the summit. We all have our heritage in our own countries that we know and we embrace, but it's important to share it with other countries so that they can learn new cuisines and new cuisine styles. So what, according to you, is the influence of food culture of Punjabi food in Canada? Is there any intermingling of food? Are there new foods coming up? New choices are coming up? What do you have to say about that? In Canada, in particular Toronto, Indian cuisine is growing in great popularity. Again, they're looking for new cuisines to embrace, new foods to try. The millennials, the young people, are very adventurous, and popularity of Indian cuisine is very big in Canada. And the Indian community in Toronto and Canada is growing immensely, and it's being very much embraced and shared by chefs, but also by the general population. When we talk about Indian food, so what exactly and what is your favorite that you want to eat in India? Well, when I was here at the hotel the first night, I had dosa. Oh, wow, that's amazing. So, yes, and lucky for me, the chef was so kind, and he told me all the ingredients, the recipe. I also like the deep-fried lentils that, what's that called? Pakode. Yes, and I love those. Those are wonderful. Amazing. And did you try the sauce with it? They have a mint sauce. Yes, yeah. And I had that as well. And I've had that before in Canada, but it was amazing here. It's delicious. So, chef, what message do we have for all the chefs, all the budding chefs in the world? Embrace their own culture, their own authentic cuisine, but also share it. Share it with their colleagues, their friends around the world, and have fun doing it. And you'll be excited with the new tastes and flavors that you're exposed to. And get their knowledge and record it and share it. Wonderful, chef. Thank you so much. शेफ, जो आज के यंग यूथ है, जैसे वेस्टर्न फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कैसे हम यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हेरिटेज फूड की तरफ? ये पिछले जो 100 साल भी नहीं कहूँगा, 60-70 साल में जो खाने की गड़बड़ हुई है, तो अब तो ऐसे लगता है कभी कभी कि इंसान को एक नई चीज़ मिली है, खाना कभी तो खाया नहीं पहले, कभी एक नई चीज़ मिली है, खाना आया है, अब इसको कैसे खाना है उसके लिए अभी दौड़ लगी हुई है। आज जो खाना मास्टर क्लासेस में और अपकमिंग शेफ्स ने रिप्रेजेंट किया, क्या लगता है कि वो सही है, हेल्दी फूड है? ट्रेडिशनल फूड बिल्कुल हाईली न्यूट्रिएंट डेंस है, और वो खाना जो है आपको, मतलब वो क्लाइमेट के हिसाब से भी है, स्वाद के हिसाब से भी है, और उसके अंदर बहुत, बाकी खाने के अंदर बहुत गाइडलाइंस भी हैं, बहुत लाइक उम्र के हिसाब से खाना बदलता है, वो सीज़न के हिसाब से खाना बदलता है। अब फॉर एग्जांपल के
विंटर में खाना ऐसा चाहिए जो बॉडी को वार्म रखे और बॉडी के अंदर ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, तो हम विंटर में ज़्यादा खाना खाते हैं। शेफ, हमारे दर्शकों को इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? फेस्टिवल सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, पीपल जो भी लोग खाने को समझना चाहते हैं या खाने के बारे में किससे पूछना करके बात करना चाहते हैं वो सबको आना चाहिए। और मैं कहूँगा इस बार नहीं आ सकते तो नेक्स्ट टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स, खाने के रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाना चाहिए। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सी शख्सियतों का हाथ है, उसमें से एक है नरेंद्र सिंह, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर एकेडमिक हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी संबंधित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे मकसद तो सिर्फ एक ही था कि जो वर्ल्ड की हेरिटेज कुजीन है जो लुप्त होती जा रही है उसको हम फ्रंट लाइन पर लेकर आएँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, उसको दुनिया के सामने लाएं। आप देखेंगे कि बड़ी सारी चीज़ें जो पहले हमने अडॉप्ट कर ली थी अब हम सडनली उनको शेड करते जा रहे हैं और वापस अपनी पुरानी चीज़ों को अपना रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल आप जानते होंगे, एक ट्रेंड चला था कि देसी घी है जो बहुत ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए। अभी लेटेस्ट जो रिसर्च है वो आपको बता रही है कि देसी घी हमारी हेल्थ के लिए उतना ख़राब नहीं है और रेदर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हम देसी घी को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। रसोई शब्द की परिभाषा आपके शब्दों में क्या है? रसोई शब्द की परिभाषा मेरे पार्लेंस में तो ये है कि जहाँ पर हम एक अपनी बॉडी के लिए ना सिर्फ एक फ्यूल तैयार करते हैं बल्कि एक अपनी बॉडी को एक लॉन्ग लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ऐसा पदार्थ तैयार करते हैं जो हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सोचने की अच्छी सुविधा देता है, मैं रसोई उस चीज़ को समझता हूँ। हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 शुरू हो चुका है। 43 कंट्रीज के शेफ्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, उनको सम्मानित करने के लिए एक छोटी सी सेरेमनी चल रही है, आइए हम भी उधर चलते हैं। कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 चल रहा है किला गोबिंदगढ़ में। भाई किला गोबिंदगढ़ आए और किला गोबिंदगढ़ की सैर ना करें ये तो हो नहीं सकता। आइए आपको भी ले चलती हूँ इस किला गोबिंदगढ़ की सैर पे। किला गोबिंदगढ़ की सैर करते करते हम पहुंच गए किला गोबिंदगढ़ के म्यूजियम में, वो म्यूजियम जहां पर शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के समय की कुछ यादें संजो कर रखी गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हेरिटेज कुजीन समिट एंड फूड फेस्टिवल 2018 पहली बार हुआ पंजाब के शहर अमृतसर में, वो शहर जहां का खाना पूरी दुनिया में फेमस है और शायद अपने खाने की वजह से ही यहां के लोगों की जुबान में मिठास है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ऐसा लगा जैसे एशिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप एक साथ घूम लिया हो। इतनी वेराइटी खाने की आज से पहले ना तो मैंने ऐसा खाना कभी देखा और ना चखा। बेशक आज फास्ट फूड का कल्चर काफ़ी बढ़ चुका है पर फिर भी हमारा पारंपरिक भोजन आज भी सबसे ऊपर है। आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी परंपरा अपने बच्चों में ज़रूर बांटें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी कोशिश की और काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल की, तो क्यों ना हम भी एक कोशिश करें। उसके लिए शेफ होना ज़रूरी नहीं है, बस एक लगाव चाहिए अपने खाने के साथ, अपनी परंपरा और विरासत के साथ।